नमस्कार, मैं आचार्य सृष्टि मिश्रा पुनः आपके समक्ष ये बताने आया हूँ कि सावन मास प्रारंभ हो चुका है। या आप भी जानते हैं प्रारंभ क्या हो गया, अब तो 3-4 दिन भी हो गए। तो आपको इस सावन माह में ख्याल क्या रखना है? देखिए, बहुत छोटी बातें हैं, इनके कारण हम जीवन में कई गलतियां कर जाते हैं। जैसे भगवान, हम चाहते हैं हम जीवन भर इतना मेहनत कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद क्यों नहीं मिल पाता, इसके रीज़न होते हैं। देखिए, हर इंसान से गलती होती है, यदि हम भगवान होते तो हमसे गलती ही नहीं होती। हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, तो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि इन गलतियों को हम सुधार भी सकते हैं। कई बार होते हैं कि हमें कोई मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है जो हमें मार्ग दिखाए और बताए कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सावन मास में सर्वप्रथम जो व्रतधारी लोग हैं, जो भगवान शिव के लिए व्रत करते हैं, अपनी इच्छा मांगते हैं, उन्हें भगवान शिव और पार्वती, माता पार्वती, उनका वरदान, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। सावन मास इतना पवित्र मास माना गया है हमारे सनातन धर्म में। सर्वप्रथम सावन मास में जो व्रतधारी हैं वो दूध का सेवन ना करें। उसका रीज़न क्या है मैं ये बताता हूँ कि शास्त्रों के अनुसार घास इत्यादि गाय भैंस खाते हैं, जिसके कारण कई प्रकार के कीड़े मकोड़े उनके मुंह में चला जाता है। तो कहते हैं कि सावन मास जो व्रतधारी है वो दूध ना पिए, क्योंकि दूध को अशुद्ध भी माना जाता है। और आजकल आप जानते हैं कि दूध गाय भैंस का तो बहुत कम है मिलना, पैकेट में मिलता है, पाउडर से बनता है, तो कई प्रकार के केमिकल यूज होते हैं उसमें, तो दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने पुराणों में बैगन को अशुद्ध माना गया है, तो सावन मास में आप बैगन भी ना खाएं, बैगन करके पूजा भी ना करें। और तीसरी ये चीज़ है कि सावन मास में आप शराब, मदिरा, मीट, मांस इत्यादि का सेवन ना करें, क्योंकि ये भी वर्जित माना गया है। इन चीज़ों को आपको इस सावन मास में बचना है, और ईश्वर करे कि जो आपकी मनोकामना है, जिस श्रद्धा भाव से आप देवादिदेव महादेव की पूजा करते हैं, वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे आपके घर में सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण रहें। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये ख्याल रखना है कि जो मैंने बताया इसको विशेष ख्याल रखें। मैं फिर पुनः आऊँगा और आपको बताऊँगा आपको क्या करना है, जिससे कि आप खुशहाल रह पाएंगे और आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। नमस्कार।